शिक्षा सेवक संघ ने वेतन विसंगति को दूर करते हुए समान काम के समान वेतन लागू करे बिहार सरकार। गया के शिक्षा सेवक एवं तालीम मरकंज संघ का जिला कार्यकारिणी समिति एक बैठक विशेष बैठक गांधी मंडप में की, जिसे पूरे जिले के 24 प्रखंडों से आए शिक्षा सेवकों ने सरकार से वेतन विसंगति को दूर करते हुए समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग की। उक्त अवसर पर मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष परशुराम मांझी ने कहा कि आज शिक्षा सेवक और तालीम मरकज के साथ बिहार सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। शिक्षा सेवकों को एक दिहाड़े मजदूर से भी कम पैसा मिलता है, जबकि आज बिहार के स्कूलों में शिक्षा सेवकों के द्वारा सबसे अधिक जिम्मेदारी के साथ शिक्षा का अलग जगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज तक हम लोगों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन आज तक सरकार हम लोगों का आवाज को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा निर्धारित सभी काम को शिक्षा सेवक एवं तालीम मरकज ने बखूबी निभाते रहे। रिजवाना परवीन ने कहा कि आज हम लोगों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है, हम लोगों को इतना कम मान्यता दिया जाता है कि इससे हम लोगों का अपने परिवार का सही से भरण पोषण भी नहीं कर सकते। उक्त मौके पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षा सेवक एवं तालीम मरकज संघ के सदस्य उपस्थित रहे। विगत दो वर्षों से गया जिला में कार्यरत शिक्षा सेवक एवं तालीम मरकज संघ का अभी तक सेवा अभिलेख नहीं खुला है, जबकि इसके लिए बार बार हम लोग मतलब गया जिला के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को सेवा अभिलेख यहाँ पे संधारण हो, लेकिन बार बार कुछ न कुछ मतलब बहाना मार के मतलब टाल दिया जा रहा, जिसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे बैठक रखे हुए हैं। दूसरा जो मुद्दा है कि हम लोग 15 से 45 वर्ष के निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने के लिए हम लोग का दायित्व दिया गया है और उसको निर्वहन करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए जो हम लोग के सामग्री मतलब जो सामग्री के लिए जो राशि आती है वह 3405 रुपया लगभग मतलब हम लोग देख रहे हैं कि 8 से 9 महीना से पहले आया हुआ, लेकिन अभी तक हम लोग को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO महोदय के द्वारा अभी तक मतलब हम सभी के खाता में निर्गत नहीं किया गया है। जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो बार बार बोल दिया जाता है कि आपका जो राशि है DM साहब के पास अनुमोदन के लिए गया हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग को वह निर्गत नहीं किया गया। तीसरा जो मुद्दा है, बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं कि हमारे शिक्षा सेवक और तालीम मरकज जो इस पद पे मतलब कार्यरत हैं उसको मानदेय के रूप में मात्र 11,000 रुपया मिलता है, उसमें से EPF कट करके 1320 रुपया EPF कटता है उस और मानदेय के रूप में 9,680 रुपया मिलता है, और इतनी महंगाई में हम लोग किस प्रकार से मतलब अपना जीवन गुजार रहे हैं वो हमें लोग को पता चल रहा है। तो आप लोग का क्या मांग है? हमारी मांग है कि जिस प्रकार से शिक्षा मित्र को एक मतलब नियोजित शिक्षा का मतलब दर्जा दिया गया, हम लोग बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि उसी प्रकार से हम लोग को शिक्षक का नियोजित शिक्षा का दर्जा दिया जाए। हम लोग विगत 10-13 वर्षों से अपने अपने विद्यालय में ऐसे काम को कर रहे हैं, महादलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के बच्चों के नामांकन कराना, महिलाओं को साक्षर करना, अभी हम लोग देखते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है जो लिटरेसी रेट है मतलब बिहार का हम लोग के आने से बहुत मतलब बेहतर हुआ है। आज पहले हम लोग जब मतलब जब हमारी बहाली नहीं होती हुई थी तो उस समय हम लोग देखते थे कि एक गांव में एक गो ही मतलब मैट्रिक प्लेट मतलब मिलना मुश्किल हो जाया करता था, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के 2010 के मतलब बहाली के बाद कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पर 10 से 15 मतलब ऐसे मतलब महादलित के परिवार हैं जो ग्रेजुएट नहीं है। और हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा मित्र को आपने इतना मान सम्मान के साथ मतलब मानदेय की बढ़ोतरी किया, उसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि 13 साल के मतलब कार्य अनुभव को देखते हुए हम सभी को नियोजित शिक्षा का दर्जा दिया जाए। पढ़ते दीजिए। मेरा नाम परशुराम मांझे, जिला अध्यक्ष शिक्षा सेवक एवं तालीम मरकज संघ गया। कि सबसे पहले हम लोग को सेवा अभिलेख खोला जाए, इतना दिन से हम लोग को बहलावा दिया जा रहा है कि आपको लेगा आपको लेगा, लेकिन आज 2 साल से हम लोग को बोला जा रहा है कि सेवा अभिलेख खुलेगा, लेकिन अभी तक की सेवा अभिलेख नहीं खुला है। दूसरी अवज में कि हम लोग का मांग जो है कि 9,680 रुपये में हम लोग को नहीं होता है, हम लोग इतना कम मानदेय में हम लोग कैसे करेंगे अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे कि उसमें घर खर्चा चलाएंगे, हम लोग को नहीं होता। हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हम लोग को 24,000 किया जाए। इसके लिए आप गांधी मैदान में क्या कर रहे हैं? गांधी मैदान में अभी हम लोग इसके लेवल बैठक किए हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे पटना अपना धरना प्रदर्शन देंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रिजवाना परवीन, तालीम मरकज शिक्षा सेवा। जो है बहाली हम लोग को हुआ उस वक्त से आज तक
सरकार के जितने भी महत्वाकांक्षी योजना है सारा कार्य में हम लोग रूबरू होकर काम करते हैं। जैसे चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जनगणना हो, पशु गणना हो, अगर नगर पालिका चुनाव हो, सारे तरह के हम लोग कार्य करते हैं। अभी देखिए भीषण महामारी में हम लोग जो है से कोरोना काल में भी जो है से बढ़ चढ़ के हम लोग कार्य किए हम लोग। इसके बाद अभी जो है सुखाड़ में भी जो है हम लोग भरपूर कार्य किए। इसके वजह में भी सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि तत्काल से हम लोग के कम प्राथमिक शिक्षा के दर्जा देते हुए और संतोषजनक मानदेय एवं वेतन वृद्धि करते हुए हम लोग को रखा जाए। कोरोना काल में आप क्या किए? कोरोना काल में हम लोग बहुत सारे काम किए, सैनिटाइजर किए, आपको मास्क बांटे। जिट्टी रोड पे कोई नहीं रहता तो उस वक्त हम लोग घर से निकल कर कार्य किए हैं। सारे लोग घर में रहते तो उस वक्त हम लोग जो है रोड पर निकल करके अपना जान हथेली पर रख करके हम लोग कार्य काम किया हम लोग। क्या क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से मेरा यही मांग है कि प्राथमिक शिक्षा समान वेतन हम लोग के दिया जाए। सरकार से मेरी यही मांग है और हर तरह के कार्य है। विद्यालय में हम लोग शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, उनके समकक्ष में काम कर रहे हैं, तो जो भी उनको लाभ मिल रहा है वो भी लाभ हम लोग को ही मिलना चाहिए। सरकार यदि आपके कार्य के अनुसार वेतन नहीं देती है तब आप क्या करेंगे अगला? तो बाध्य होकर हम सरकार के विरुद्ध में जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, बहुत कुछ कार्य करेंगे हम लोग। लेकिन पहले मेरा निवेदन है सरकार से कि आपके साथ मैं कद से कद मिला चलने का काम किया हूँ, व्यवहारिकता